हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। और आज हम जा रहे हैं मथुरा में, बहुत बड़ा फेयर लगा हुआ है ब्रज रज उत्सव के नाम से। तो 11 दिन का लगा था, 1 से 11 दिन का। तो आज वहाँ पे कवि सम्मेलन है, तो उसमें मेरे देवर जी भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो दिखाऊंगी आपको वहीं चल के। तो चलिए। हमारे अपने मथुरा नगर के, जिन्होंने मथुरा नगर का गौरव बढ़ाया और भारत सरकार द्वारा आपको आपकी काव्य प्रतिभा के कारण विदेशों में काव्य पाठ करने के लिए भेजा गया, ऐसे हमारे अनुज भाई मनवीर मधुर जो ओज के लिए जाने जाते हैं, स्वागत करते हैं भाई मनवीर मधुर का। कृपया मंच पर आए और मंच का गौरव बढ़ाएं। लेकिन मैं चाहता हूं एक ऐसा स्वर जिसे इस देश के आम आदमी से लेकर प्रधानमंत्री तक जिसे पसंद करते हो। मैं चाहता हूं थोड़ी तालियां आपके पास हैं तो अपने डार्ले कवि के लिए एक बार दे दीजिए भाई मनवीर मधुर। कमजोर तालियां हैं, एक बार दोनों हाथ उठाकर मन भावन। बहुत अच्छी बात। पूरे भारतवर्ष से जितने कवि यहां आए हैं, मैं तो ब्रज का ही हूं और ब्रज में आने वाले कवियों का सम्मान कैसे किया जाता है, मैं चाहता हूं सारे लोग एक बार हाथ उठाएं और जोरदार ताली के साथ अभिनंदन करें जो बाहर से लोग आए हैं। मैं क्रम में हूं, मेरे बड़े भाई राम सरीन जी यहां पर हैं, मेरे बड़े भाई पवन चतुर्वेदी जी हैं, सतीश भैया यहां पर हैं, राजीव भैया यहां पर हैं, मनीष जी हैं और तमाम महत्वपूर्ण लोग, भाभी जी यहां पर बैठी हैं, मेरे बड़े भाई और भाभी भी यहाँ पर बैठे हैं, भतीजे भतीजी बैठे हुए हैं। अपने भैया का भी नाम ले दे, सगे का, वो परिवार की बात करना। वही तो कर रहा हूँ। उनका नाम क्यों नहीं लिया फिर? कुछ आपके लिए भी छोड़ दिया है मैंने। मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ। भाई पवन नागरी जी ने बहुत शानदार कविता पढ़ी, उन्होंने वेस्टर्न कल्चर के लिए, पाश्चात्य संस्कृति के लिए बोला। मैं चार पंक्तियां पढ़ता हूं और निवेदन बस इतना सा है कि जितने जागृत लोग हैं वो थोड़ा सा हौसला देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। पहली चार पंक्तियां सुनिए कि हमारे शौर्य की अद्भुत कहानी कौन लिखेगा। क्या बात है मन, हमारे शौर्य की अद्भुत कहानी कौन लिखेगा, सदा दुश्मन किए हैं पानी पानी कौन लिखेगा। और ब्रज वालों, इन दो पंक्तियों पर आकाश भर तालियां उठा देना। हमारे शौर्य की अद्भुत कहानी कौन लिखेगा, सदा दुश्मन किए हैं पानी पानी कौन लिखेगा। अगर यूं ही रहे मरते वतन को छोड़कर तन पर, बताओ फिर जवानी को जवानी कौन लिखेगा, बताओ फिर जवानी को जवानी कौन लिखेगा। और आइएगा, मैं कहां से अपनी बात शुरू करूं। पहली चार पंक्तियां सुनिए, जागृत होइए। योगेश्वर कस्त की भूमि है लेकिन राम से मंच प्रारंभ हुआ था। एक राम इधर और एक राम उधर। मैं भगवान राम से ही चार पंक्तियां शुरू कर रहा हूं। स्वागत है। राजनीतिक उठापटक आपने देखा महाराष्ट्र का, मैं सनातन परंपरा की ओर से चार पंक्ति आपको समर्पित कर रहा हूं। जागृत होइए, मैं निवेदन करता हूं, सुने। जो भी होते हैं महान वे सीख जहां से लेते हैं, जो भी होते हैं महान वे सीख जहां से लेते हैं, करके मद व्यवहार सभी के बनते सदा चहेते हैं, करके मद व्यवहार सभी के बनते सदा चहेते हैं। रावण सा हो अहंकार तो बने विभीषण भाई ही। इसे एक पंक्ति पर जितने कविता वाले एक बार तालियां उठाएं कि रावण सा हो अहंकार तो बने विभीषण भाई ही, राम बनो तो भरत स्वयं ही सत्ता ठुकरा देते हैं, राम बनो तो भरत स्वयं ही सत्ता ठुकरा देते हैं। और चार पंक्तियां सुनिए,
भगवान श्री राम के मंदिर का शिलान्यास हुआ तो बहुत सारे लोगों ने कहा, राम का विरोध किया, समर्थन करने वाले लोगों का कहना अपने पद का घमंड सर पर रखें, लेकिन हम हैं अखर फकीर, सिंहासन ठोकर पर रखें। क्या बात है, होंगे वे बादशाह अपने पद का घमंड सर पर रखें, लेकिन हम हैं अखर फकीर, सिंहासन ठोकर पर रखें। इस अहंकार की चादर का विन्यास बदल भी सकते हैं, इस अहंकार की चादर का विन्यास बदल भी सकते हैं, हमने अगर अंगड़ाई ले ली इतिहास बदल भी सकते हैं। और जितने लोग अभी भी खामोश बैठे हैं, अगली दो पंक्तियों पर आपकी भाषा बोलता हूं तो तालियों की हुंकार के रूप में बताना, होंगे वे बादशाह अपने पद का गुमान सर पर रखें, लेकिन हम हैं अखर फकीर, सिंहासन ठोकर पर रखें। इस अहंकार की चादर का विन्यास बदल भी सकते हैं, हमने अगर अंगड़ाई ले ली इतिहास बदल भी सकते हैं। कोई कितना ताकतवर हो पर अंदर से हिल जाता है, जो मिट्टी से नफरत करता वह मिट्टी में मिल जाता है। जो जैसा जीवन में वो वैसा फल पाता है, करता जो जैसा जीवन में वो वैसा फल पाता है, शक्ति ज्ञान का हो घमंड तो रहता कुछ भी शेष नहीं, सष्ट जीतने वाला अपने घर में मारा जाता है, सष्ट जीतने वाला अपने घर में मारा जाता है। और मैं कहता हूं, शांति चाहिए जीवन में तो प्रभु की भक्ति जरूरी है। मैं जहां जहां जाता हूं मथुरा का नाम लेकर, अगर आपके आशा पर खरा उतरूं और मथुरा का नाम सार्थक किया हो तो अगली पंक्तियों पर उठाना। मैं निवेदन करता हूं कि विफल, शांति चाहिए जीवन में तो प्रभु की भक्ति जरूरी है, और अगली पंक्ति पर मंच का भी समर्थन और आपका भी, शांति चाहिए जीवन में तो प्रभु की भक्ति जरूरी है, लेकिन अपने तेवर की भी कुछ अभिव्यक्ति जरूरी है, लेकिन अपने तेवर की भी कुछ अभिव्यक्ति जरूरी है। हिंसक क्रूर अनैतिक कोई शक्तिहीन समझे जब जब, तब तब दुश्मन को दिखलाना अपनी शक्ति जरूरी है। बहुत अच्छे मनवीर। तब तब दुश्मन को दिखलाना अपनी शक्ति जरूरी है। और मथुरा के नाम से चार पंक्तियां सुनिए भैया। विफल शास्त्र के हो जाने पर शस्त्र जगाना पड़ता है। क्या बात है, विफल शास्त्र के हो जाने पर शस्त्र जगाना पड़ता है, यानी शांति दूत को भी फिर युद्ध रचाना पड़ता है, यानी शांति दूत को भी फिर युद्ध रचाना पड़ता है। जब अधर्म हावी हो जाए और धर्म सहमा 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 तो ही तालियां उठाना, और अगर पंक्ति आपके अंदर तक पहुंच जाए तो एक बार तालियां, पीछे तक जितने लोग खड़े उन सबकी तालियां उठें कि विफल शास्त्र के हो जाने पर शस्त्र जगाना पड़ता है, यानी शांति दूत को भी फिर युद्ध रचाना पड़ता है। जब अधर्म हावी हो जाए और धर्म सहमा सहमा तब तब वंशी त्याग कृष्ण को चक्र उठाना पड़ता है। क्या बात है, वफादारी नहीं करते कभी दुश्मन, यहां आने की तैयारी नहीं करते, गुलामी आज तक हमने कभी भोगी नहीं होती अगर इस देश के कुछ लोग गद्दारी नहीं करते। बहुत अच्छे। गुलामी आज तक हमने कभी भोगी नहीं होती। बहुत अच्छे। अगर इस देश के कुछ लोग गद्दारी नहीं करते, बहुत आक्रोश में थे, राजनेता ऐसे हैं, राजनेता वैसे हैं, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं जी, मैं राजनेताओं से नहीं कहना चाहता, एक बार अपने अंदर झांकिए और सोचिए, गांव से चली हुई छोटी सी झोपड़ी दिल्ली तक पहुंचते पहुंचते महल बनकर कैसे खड़ी हो जाती है। मैं चार पंक्तियां पढ़ता हूं सुने, कि किसी अंधे को जो यदि रेबड़ियां सौंप दोगे अपनों में बांटने की आदत न जाएगी,
किसी अंधे को जो यदरे बड़ियां सौंप दोगे अपनों में बांटने की आदत न जाएगी। जिसने कभी भी शास्त्र ज्ञान प्राप्त न किया हो बकवास छांटने की आदत न जाएगी। जिसने कभी भी शास्त्र ज्ञान प्राप्त न किया हो बकवास छांटने की आदत न जाएगी। बचपन से ही झूठ बोलना जो सीखा हर बात से ही नाटने की आदत न जाएगी। और आपकी भाषा में बोल रहा हूं, तालियां रोक सको तो रोकना, अगर उठा सको तो उठाना, कि बचपन से ही झूठ बोलना जो सीखा हर बात से ही नाटने की आदत न जाएगी। कितने ही भोग आप कुत्तों को लगाए किंतु झूठन को चाटने की आदत न जाएगी। कमाल मनवीर जिंदाबाद। कितने ही भोग तेवर भाई जिंदाबाद। सुनना अगर ठीक लगे तो हुंकार के साथ बताना, प्रतिरोध करना, विरोध करना उसका, भले बिखरे स्वयं का घर ये कीमत कौन देता है। मेरे बड़े भाई दिनेश रघुवंशी जी यहां पर हैं, ओजस्विता के बड़े पर्याय हैं, गीतकार बड़े हैं। भले बिखरे स्वयं का घर ये कीमत कौन देता है, अगर बेखौफ जीते हो तो हिम्मत कौन देता है। मैं किसी राजनेता के लिए नहीं बोल रहा हूं, सेना के लिए बोल रहा हूं। तो तालियां उठाइए तो दोनों हाथ का जोरदार ताले के साथ समर्थन करिए। भले बिखरे स्वयं का घर ये कीमत कौन देता है, अगर बेखौफ जीते हो तो हिम्मत कौन देता है। सिपाही और सैनिक ही रहे बांधे कफन सर पर, बताओ छोड़कर इनको शहादत कौन देता है। एक बार सैनिकों के और अपने देश के जाबां सिपाहियों के लिए दोनों हाथ उठाकर हर हिंदुस्तानी का इस्तकबाल एक बार महसूस करा दीजिए। बहुत ही सही बात मनवीर। सिपाही और सैनिक ही रहे बांधे कफन सर पर, बताओ छोड़कर इनको शहादत कौन देता है। चार पंक्तियां सुनिए। अंधेरा चीर कर रख दे उसे दिनमान कहते हैं। अंधेरा चीर कर रख दे उसे दिनमान कहते हैं। मनुष्यता को रहे हित कर उसे वरदान कहते हैं। उसी के घर में घुस सब खत्म कर आतंके अड्डे, जहां वाले इसी तेवर को हिंदुस्तान कहते हैं। जहां वाले इसी तेवर को हिंदुस्तान कहते हैं। लेकिन सियासत से शिकायत भी है, मैं चार पंक्तियां पढ़ता हूं। यह शिकायत अगर आपकी भी है तो बताना कि राजनीति जनता में हीन भावना भरेगी, दीप शौर्य शक्ति का जलाने कौन जाएगा। राजनीति जनता में हीन भावना भरेगी, दीप शौर्य शक्ति का जलाने कौन जाएगा। और नई पीढ़ियों में सींचते घृणा रहे तो भाव राष्ट्र भक्ति का जगाने कौन जाएगा। और नई पीढ़ियों में सींचते घृणा रहे तो भाव राष्ट्र भक्ति का जगाने कौन जाएगा। कि सैनिकों की कार्यवाही पे लगे जो प्रश्न चिन्ह, ऋण मातृभूमि का चुकाने कौन जाएगा। और खाना तालियां बताना कि मैं सही बोलूं या नहीं, कि ऋण सैनिकों की कार्यवाही पे लगे जो प्रश्न चिन्ह, ऋण मातृभूमि का चुकाने कौन जाएगा। हम ये अपराधियों का हौसला बढ़ाएंगे तो सीमा पर प्राण को लुटाने कौन जाएगा।